हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक्सरसाइज 2.1 कल के लेक्चर में शुरू कर दी थी। देखिए आज क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा रहा हूं आपको। इवेलुएट, ये आपको दिया हुआ फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, तीनों पार्ट हम करेंगे, ठीक है भाई। सोल्यूशन सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, वी हैव tan इनवर्स रूट थ्री sec इनवर्स माइनस टू, ठीक है बच्चों, इसको इवेलुएट हमने करना है। अब हम करेंगे लेट y बराबर tan इनवर्स रूट थ्री एंड z बराबर secant इनवर्स माइनस टू, ठीक है बच्चों, इन दोनों को पैरेलल सॉल्व करेंगे, क्लियर है। देखिए यहां से क्या जाएगा बच्चों, यहां से tan y बराबर रूट थ्री एंड यहां से sec z बराबर माइनस टू, ठीक है बच्चों। यहां से देखिएगा, यहां से इस रूट थ्री की वैल्यू टेन के अंदर क्या होती है, टेन पाई बाई थ्री, और पाई बाई थ्री क्या होता है बच्चों, 60 डिग्री, ठीक है भाई, टेन 60 डिग्री पर ये वैल्यू होती है। तो बच्चों देखना है, यहां से टेन वाई बराबर टेन पाई बाई थ्री एंड यहां से देखना बच्चों sec के अंदर, यहां से देखिएगा ये माइनस की जगह माइनस रहेगा, sec z माइनस की जगह माइनस, ठीक है। तो यहां से आप एक बार बताइए, जो टू मान है sec के अंदर पाई बाई थ्री पर होता है, ठीक है भाई, secant 60 डिग्री कितना होता है, टू, क्लियर है, समझ में आई बात। तो यहां से कितना हो जाएगा secant पाई बाई थ्री, ठीक है बच्चों। अब यहां देखिए माइनस का sec थीटा, ये फॉर्मूला आपको पता है, sec पाई माइनस थीटा होता है, तो यहां माइनस sec पाई बाई थ्री कितना हो जाएगा बच्चों, sec पाई माइनस पाई बाई थ्री, ठीक है बच्चों। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, एंड sec z बराबर sec पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो यहां से कितना आ गया बच्चों, sec z sec 2 पाई बाई थ्री, ठीक है भाई। तो यहां से क्या आ गया देखना एक बार, दिस इंप्लाइज y बराबर पाई बाई थ्री, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा आपका, एंड z बराबर क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री आ चुका है, क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया आपको बात। तो देखिए, सिंस रेंज ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज ओपन इंटरवल पाई बाई टू से ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एंड आपका रेंज ओ secant इनवर्स एक्स इज कितनी होती है, जीरो से पाई माइनस पाई बाई टू, ठीक है बच्चों। तो यहां देखिएगा क्लियरली, पाई बाई थ्री बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और यहां से क्या हो जाएगा, एंड आपका टू पाई बाई थ्री बिलोंग्स टू जीरो से पाई माइनस सिंगलटन पाई बाई टू, सीकेंट इनवर्स की रेंज भी हुआ करती है, ठीक है बच्चों। तो यहां से आपको क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज वाई बिलोंग्स टू
y belongs to minus pi by 2, say pi by 2, and z belongs to 0, say pi close interval, minus singleton pi by 2. ठीक है बच्चों, क्लियर है ये y और ये z. आपका जो y आपने मानना था, y क्या था आपका, tan inverse root 3 belong कर गया minus pi by 2 से pi by 2 में, एंड यहां से z की वैल्यू क्या थी, secant inverse minus 2 कहां belong कर गया, क्लोज इंटरवल 0 से pi singleton pi by 2. ठीक है बच्चों, समझ में आई बात. नाउ आपका क्या आ गया यहां से, tan inverse root 3 minus sec inverse minus root 3 is equal to, ये वैल्यू क्या आई, ये वैल्यू y, ये वैल्यू कितनी आई, देखो ये सेम टू सेम वैल्यू है, कितनी आ रही है, pi by 3, y की वैल्यू कितनी आ रही है, pi by 3. ठीक है भाई, माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 pi by 3. ठीक है बच्चों, तो यहां से आंसर कितना आ गया, माइनस पाई बाई थ्री. ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का. आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा. देखिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं. सेकंड का सेकंड पार्ट, we have tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3. ठीक है बच्चों, ये अपना क्वेश्चन है. देखिए यहां से क्या जाएगा, let y बराबर tan inverse root 3, ठीक है, एंड जेड बराबर cot इनवर्स माइनस रूट थ्री. ठीक है, क्लियर है. अब देखिए इनको पैरेलल हम सॉल्व करते चलेंगे, तो यहां से आ जाएगा, देखिए इंप्लाइज tan y बराबर रूट थ्री एंड cot z बराबर माइनस रूट थ्री. ठीक है बच्चों, क्लियर है. अब यहां से देखिए आप, रूट थ्री मान टेन पाई बाई थ्री डिग्री पर होता है, पाई बाई थ्री पर होता है, मतलब पाई बाई थ्री कितना डिग्री होता है, पाई बाई थ्री होता है 60 डिग्री. ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या जाएगा, टेन वाई बराबर यहां से आ गया टेन पाई बाई थ्री रेडियन, एंड यहां से देखिएगा कोट जेड माइनस रूट थ्री, कोट में मान कहां होता है, पाई बाई सिक्स पर. ठीक है बच्चों, कितने को होता है, पाई बाई सिक्स पर. और पाई बाई सिक्स क्या होता है बच्चों, क्या होता है पाई बाई सिक्स, 30 डिग्री का मान होता है. ठीक है भाई, कोट जो है 30 डिग्री आपका रूट थ्री हुआ करता है, तो यहां से क्या हो जाएगा, कोट पाई बाई सिक्स. ठीक है भाई, माइनस कोट थीटा का मान कोट पाई माइनस थीटा हुआ करता है, यहां से माइनस कोट पाई बाई सिक्स का मान कितना हो जाएगा, कोट पाई माइनस पाई बाई सिक्स. बच्चों तो यहां से क्या जाएगा, एंड कोट जेड बराबर कोट पाई माइनस पाई बाई सिक्स, एंड कोट जेड कोट फाइव पाई बाई सिक्स. ठीक है बच्चों, क्लियर है. और ये कितना होता है आपका, यहां से देखा जाए तो 30, और ये कितना हो गया, देखो 5 पाई बाई 6 का मान कितना होता है, 5 मल्टीप्लाई 180 बटे 6, ये कितना हो गया, 150 डिग्री हो गया. ठीक है भाई, और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज क्या होती है, कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है, ओपन इंटरवल 0 से पाई, मतलब ये बिलोंग कर जाएगा उसको. ठीक है भाई, क्लियर है. अब यहां से देखिएगा, यहां से आपका क्या आ गया, y बराबर पाई बाई थ्री, टी रेशियो सेम, डायंगल भी सेम, यहां से कितना आ गया, एंड z बराबर कितना आ गया,
फाइव पाई बाई सिक्स, ठीक है भाई। सीन्स रेंज ऑफ टैन इनवर्स एक्स इज ओपन इंटरवल पाई बाई टू से पाई बाई टू एंड रेंज ऑफ cot inverse x is minus is open interval 0 से पाई, ठीक है भाई। क्लियरली यहां देखना पाई बाई थ्री है, कहां बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एंड ये आपका फाइव पाई बाई सिक्स कहां बिलोंग कर रहा है, कहां बिलोंग कर रहा है, जीरो से पाई, ठीक है भाई। क्लियर, तो यहां से इंप्लाई करके क्या आ गया, वाई बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एंड जेड कहां बिलोंग कर गया बच्चों, ओपन इंटरवल जीरो से पाई, ठीक है भाई। दिस इंप्लाई वाई है क्या, टेन इनवर्स रूट थ्री बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एंड ये क्या है आपका कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री कहां बिलोंग कर गया, जीरो से पाई ओपन इंटरवल, समझ में आएगी बात, क्लियर है। नाउ नाउ टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू, ये मान क्या आया देखिए, ये मान क्या आया पाई बाई थ्री, ये मान क्या आया आपका फाइव पाई बाई सिक्स, ठीक है बच्चों। एलसीएम सिक्स तो कितना आ जाएगा टू फाइव, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा माइनस फाइव पाई, ठीक है बच्चों। तो यहां से कितना आ गया माइनस थ्री पाई बाई सिक्स, ठीक है बच्चों, इसको काटेगा टू पर कितना आ गया माइनस फाइव बाई, ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक आपको सेकेंड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये आपका सेकेंड पार्ट था, क्लियर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। अब देखिए थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों, सॉल्यूशन सेकेंड का पार्ट नंबर थर्ड। वी हैव टेन इनवर्स टू साइन इनवर्स टू टू साइन कोस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, ये है अपने पास, ठीक है बच्चों। लेट मैं इसकी वैल्यू सॉल्व कर देता हूं, कोस इनवर्स रूट थ्री बाई टू को क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो यहां से क्या जाएगा रूट थ्री बाई टू इज इक्वल टू cos y, मतलब cos y बराबर रूट थ्री बाई टू। तो यहां से देखिए रूट थ्री बाई टू cos के अंदर cos 30 डिग्री पर मान होता है, रूट थ्री बाई टू cos पाई बाई सिक्स पे मान होता है बच्चों। तो यहां से कितना हो जाएगा cos y बराबर क्या आ गया cos पाई बाई सिक्स, ठीक है बच्चों। तो यहां से y बराबर पाई बाई सिक्स आ गया। सिंस रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज कितनी होती है क्लोज इंटरवल जीरो से पाई, क्लियरली आपका पाई बाई सिक्स बिलोंग करता है कहां, कहां बिलोंग करता है आपका जीरो से पाई के अंदर, इस रेंज में बिलोंग करता है, ठीक है भाई। सो पाई बाई सिक्स इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, ठीक है भाई। नाउ इसको लिख लो टेन इनवर्स टू साइन टू कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखिएगा टू, यहां से देखिएगा
अब यहां देखिएगा tan इनवर्स 2 साइन, इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी पाई बाई सिक्स। ठीक है बच्चों, अब ये इसको काट देगा तो क्या आया बच्चों tan इनवर्स कितना आ गया 2 टाइम्स साइन, कितना आ गया π/3। क्लियर बच्चों, अब यहां से देखिएगा साइन π/3 भी मान कितना होता है √3/2, ये मान यहां रख दीजिए tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई √3/2, ये कट गया। तो बच्चों ये आंसर क्या है tan इनवर्स √3। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, अब यहां से करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यहां से कितना जाए, इसको नंबर 10 डाल दीजिए, यहां से लेट z बराबर tan इनवर्स √3, तो यहां से कितना आ जाएगा tan z बराबर √3, और √3 मान कितने होता है tan π/3 पर। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या आ गया बच्चों, ये इसके बराबर आ गया tan z बराबर tan π/3, यहां से बच्चों z की वैल्यू कितनी आ गई π/3। ठीक है भाई, तो मैं यहां कर देता हूं, ये पोर्शन अपने पास खाली पड़ा हुआ है, यहां कर देते हैं। तो यहां से z इक्वल टू π/3 आ गया, तो हम लिख देंगे सिंस रेंज और tan इनवर्स x इज ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। क्लियरली π/3 बिलोंग्स टू कहां -π/2 से π/2। ठीक है भाई, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 इज π/3। इक्वेशन फर्स्ट क्या इंप्लाई कर देगा, tan इनवर्स 2 साइन 2 cos इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये जो आपकी वैल्यू आया था इसकी वैल्यू क्या निकाल दी हमने π/3, सो जेड मानना था हमने, कितना आ गया ये π/3। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, ईच एंड एवरी स्टेप मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो रिजल्ट यूज किया है, यहाँ पर आपको पता ही है tan जो है π/3 कितना होता है √3 होता है, तो इसे √3 की वैल्यू ये लगाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन बाय बाय बच्चों।